मैं एक कोचिंग में गया हुआ था, तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टर सर नहीं है, आप डायरेक्टर सर से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, फ़ोन लगाइए। फ़ोन लगाया गया डायरेक्टर, और डायरेक्टर ने, मैंने डायरेक्टर को अपना ब्यौरा, अपना जो है प्रोसेस, जो भी प्रोजेक्ट था, मैंने बताया कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, मैं चलाता हूँ, ये सारी चीज़ें। उन्होंने पूछा अच्छा बताइए कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा ना मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छे नाम है अब्दुल्ला, तो ठीक है आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा आपके यहाँ सेमिनार सेशन, अगर आप दीजिए मौका तो मैं करूँगा सेमिनार सेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि कहाँ से हो। मैंने कहा आजमगढ़ यूपी से हूँ। कहा तुम नहीं कर सकते। अचानक मेरे दिमाग में शॉर्ट सर्किट लगा, मैं तुम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये क्यों, अगर मेरा नाम अब्दुल्ला है, चलो अब्दुल्ला है ठीक है, आजमगढ़ से यूपी से हूँ, अच्छे क्यों भाई, वहाँ से होते हुए क्यों नहीं कर सकते। अब आज इसी से जुड़ती हुई मैं कुछ बातें करूंगा पर्सनैलिटी ग्रोथ के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, और थॉट प्रोसेस और साइकी प्रोसेस के ऊपर। कभी कभी हम किसी भी राज्य से होते हुए किसी का ये आकलन लगा लेते हैं कि वो इस राज्य से है, या इस जिले से है, इस जाति से है, इस धर्म से है, तो ये काम वो नहीं कर सकता। पूरी हेडलाइन में हम इस चीज़ को छपवा देते हैं, छाप देते हैं, अपने दिमाग में एक साइकी प्रोसेस बना लेते हैं कि दिस पर्सन कैन नॉट। सबसे गलत सोच हमारी जिंदगी की, सबसे गलत जो है कि तजुर्बा हमारी जिंदगी का, कि अगर कोई बिहार से है तो वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, कि उसकी लैंग्वेज में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी या प्रोनंसिएशन में दिक्कत रहेगी। अगर इस तरीके की साइकी हमने बना ली तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी भूल है। कोई अगर आजमगढ़ से है तो वो ये काम नहीं कर सकता, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और जो कि हमें कभी भी किसी का आकलन किसी के वेशभूषा से, किसी की जाति से, किसी के धर्म से, किसी के राज्य से, किसी के ज़िले से हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। We should understand and respect every culture and every tradition, every state, every district, every religion and every caste. सबसे बड़ा हमारा जो है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट। आइए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले पर्सनैलिटी की अगर आप बात करें तो पर्सनैलिटी बना है पर्सन प्लस क्वालिटी। जिस भी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी आ जाती है तो वो आप उसके अंदर पर्सनैलिटी आ जाती है। और डेवलप का मतलब होता है विकास करना, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो जब आपका व्यक्तित्व का विकास होता है वही होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, व्यक्तित्व को चमत्कार बनाना, चमकाना, पर्सनालिटी ग्रोइंग, व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना, पर्सनालिटी अचीवमेंट, व्यक्तित्व को पाना। इंसान जब पैदा होता है तो इंसान को जिंदगी में माता पिता देते हैं नेम, और जब इंसान अपना कुछ करके कुछ का नाम करता है तो वो कमाता है फेम। फेम भी एक तरीके का पर्सनालिटी है। अगर पर्सनालिटी का एक्चुअली ओरिजिनेशन देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे, तो पर्सनालिटी का मतलब होता है मास्क, और मास्क का मतलब होता है चेहरे पे नकाब। तो आप एक इंसान हैं और उस इंसान के ऊपर जो आप अपने ऊपर कैरेक्टर लगाते हैं, जो आप अपने ऊपर नेचर लगाते हैं, जो आप अपने ऊपर बिहेवियर लगाते हैं, जो आप अपने ऊपर जो है कि एक एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल मेकअप और ड्रेसअप लगाते हैं, जो आप अपने अंदर एक नेचर लगाते हैं, वही आपका मास्क बन जाता है और वही जिंदगी में पर्सनालिटी कहलाता है। दो तरीके की पर्सनालिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल पर्सनालिटी, एक होती है इंटरनल पर्सनालिटी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी इज द फर्स्ट इंप्रेशन कि इंसान अच्छा कपड़ा पहना है तो उसके बेस पर हम उसका आकलन लगाते हैं कि इंसान जो है कि कपड़ा पहना है तो इंसान क्या हो सकता है, रॉयल है, एजुकेटेड है, इलिटरेट है, लिटरेट है। जो कि कभी कभी हम इसमें गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, एक अशिक्षित इंसान भी चमकदार कपड़ा पहन लेता है, लेकिन अगर वो अशिक्षित इंसान है उस चमकते हुए कपड़े में भी उसकी कहीं ना कहीं अशिक्षा जरूर दिख जाएगी, कुछ ना कुछ वो गलती जरूर करेगा। और एक लुंगी पहना हुआ इंसान भी अगर शिक्षित है तो कहीं ना कहीं उस लुंगी में से भी पुंगी बजा देगा, मतलब वो अपनी शिक्षा को दर्शा देगा। इसलिए नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी किसी भी किताब का आकलन उसके कवर से, कवर पेज से मत लगाइए, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। लुंगी पहनने वाला भी ताज होटल खरीदने की बात कर सकता है, और चड्ढा पहनने वाला भी इंसान जो है अंग्रेजी बोल सकता है। तो इट डजंट एग्जैक्टली यू नो सूट ऑन यू दैट यू जस्ट डिटरमाइन समबडीज कैरेक्टर, समबडीज नेचर बिकॉज ऑफ हिज एक्चुअली ड्रेसिंग सेंस। आइए बात करते हैं इंटरनल पर्सनैलिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, इसमें कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें क्या होता है, एक ट्रेट होता है,
करता है। वैसे मेनली लोग चार तरीके की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी नंबर ए, पर्सनालिटी नंबर बी, पर्सनालिटी नंबर सी, पर्सनालिटी नंबर डी। इन चारों ए बी सी डी के अंदर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, कुछ ट्रेट्स आते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेट के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। और ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, इसका जो है कि एक तरीके से क्वालिटी। ट्रेट का मतलब इसका क्या होता है कि एक तरीके से जो है कि विश्लेषण। ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली गुड, एक्चुअली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले पांच ट्रेट की बात मैं बात करूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ओपननेस। ओपननेस का मतलब ये होता है कि खुले तौर पे अपने आप को एक्सप्रेस करना, खुले तौर पे बदलाव को समझना और बदलाव को अपनी जिंदगी में उतारना और समाना, खुले तौर पे अपने विचार को रखना और दूसरे के विचार का भी सम्मान करना, खुले तौर पे लोगों को इनकरेज और सपोर्ट करना, और खुले तौर पे मेंटली तौर पे आप ओपन होकर सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं उसके प्रोज और कॉन्स को समझ कर ही आप अपने रिप्लाई को दीजिए, अपने आंसर को दीजिए। इसको बोलते हैं ओपननेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। दूसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेट यह है कि एक्चुअली कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब एक्चुअली होता है कि वेयर यू यूज योर ब्रेन, जहां पे आप अपने दिमाग को यूज करें, अपनी थॉट प्रोसेस को यूज करें, अपनी साइकिल को यूज करें, चीजों को सोच समझकर उसको आकलन, उसका आकलन करके लॉजिकली, मैथमेटिकली, साइकोलॉजिकली थिंक इन द साइकी लेवल। यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी सिचुएशन एंड एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, द थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म इससे इसका ये मतलब होता है कि जब आपका मूड स्विंग करे, न्यूरोटिसिज्म जो कि निगेटिव है नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप ओपननेस, अगर आपके अंदर ओपननेस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत सी अपॉर्चुनिटी से चूक जाएंगे। आपके अंदर ओपननेस नहीं है तो आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, इसका ये लो पॉइंट भी हो सकता है, इसलिए ओपननेस होना बहुत ही जरूरी है। कॉन्शियसनेस, अगर आप सोच समझ कर काम नहीं करेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है कि आप जो है कि फेल हो जाएंगे, रिजेक्शन हो जाएगा। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, कुछ हमें भी सुधार करना है, कुछ आपको भी सुधार करना है। हम बात कर रहे थे न्यूरोटिसिज्म के। न्यूरोटिसिज्म का मतलब एक्चुअली होता है कि जब आपके मूड स्विंग हो, आप जो है सोशली इन्वॉल्व ना हो पाए, आपके अंदर इरिटेबिलिटी या इरिटेटिंग ज्यादा रहे, आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं, वहां पे उसको बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। अगर ये चीज आपके अंदर है, बिल्कुल इसको लाइफ से अपने इलिमिनेट कर दीजिए, एकदम खारिज कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये चीज रहेगी तो आपको पूरी तरह से खत्म कर देगी, ले भी देगी। और अगर ये चीज नहीं रहेगी तो आप पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, लॉजिकल हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, असर्टिव हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, एक्चुअली यू नो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड और क्यूरियस हो जाएंगे। इट्स वेरी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अग्रीबलनेस। अग्रीबलनेस का मतलब क्या होता है, जब चीजों पे आप अग्री करें, सहमति जताएं, मतलब ये भी एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एक लाइन बड़ी प्यारी सी लिखी हुई थी कि माय पर्सनैलिटी इज What I am, मेरी personality, मेरा व्यक्तित्व वही है जो मैं हूँ, and my attitude is what you are, और मेरा attitude, मेरा रवैया वो है जो तुम हो। इसलिए if you change my attitude, I will change my attitude because of you। इसलिए attitude और personality में एक difference है। Personality एक stable चीज़ रहती है, attitude swing होता रहता है, और ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं combination भी आपस में कहीं ना कहीं होती है। अग्रीबलनेस, तो कहीं ना कहीं चीजों पे आप हमेशा हाइपर मत हो जाओ, हमेशा अपोज मत करो, हमेशा लोगों से जेलिसी फील मत करो, हमेशा क्रिटिसाइज मत करो। जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, आपके अंदर भी हो सकती है, तो हम सबको ये मानना चाहिए कि भाई सामने वाला अगर जूनियर है, सीनियर है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक बार एक कंपनी में, मैं एक दो तीन बार ये बातें बता चुका हूं एक्चुअली, ये बात एक बार एक कंपनी में एक बिस्किट बनने की बात हो रही थी कुत्ते के लिए। तो सबसे विचार लिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये बिस्किट बनाओ, बना बादाम का बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, अलग अलग सभी लोगों ने विचार दिया एक्चुअली कि इस तरीके का बिस्किट बनाइए। एक इंसान उसमें से लॉजिकल इंसान खड़ा हुआ और बोला कि भाई अगर कुत्ते के लिए बिस्किट बनाना है तो सारे सैंपल्स को बना के टेबल पे रखो, तैयार करो, कुत्तों को लेके आ जाए, कुत्ते जिस पे ज्यादा धावा बोलेंगे वो बिस्किट सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो उसकी डिजिग्नेशन, उसका पोस्ट उस इंसान का उस कंपनी में छोटा रहता है, फिर भी मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप माइंड लिया रहता है और उसको उस बात को एक्सेप्ट करता है सम्मान के साथ, और वही काम करता है जिस पर कुत्ते ज्यादा धावा बोलते हैं, वो बिस्किट सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए अग्रीबलनेस का, अग्री करना चाहिए कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। आइए फिर और बात करते हैं आगे। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रावर्जन।
एक्सट्रोवर्जन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रावर्जन भी बोलना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें ओपन होना पड़ेगा, हमें लोगों तक अपनी बातों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को जानना होगा, कहीं ना कहीं हमें मल्टी टास्किंग बनना होगा, मल्टी टैलेंटेड बनना होगा, मल्टी पर्पज बनना होगा, हमें इन सब चीज़ों को जानना होगा, क्योंकि अगर नहीं बने तो दुनिया इतनी फास्ट है कि दुनिया आपको पीछे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू बी, आपको बनना पड़ेगा एक्स्ट्रोवर्जन एंड एक्स्ट्रावर्जन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पांच ट्रेड्स जो एक्चुअली में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आइए और कुछ ट्रेड की हम लोग बात करेंगे। बात करेंगे ऑब्सेशन की, क्या आपके अंदर उत्तेजना, आपके अंदर एक्साइटमेंट, जुनून होना चाहिए। मैं आपको बात करेंगे असर्टिवनेस की, आपको असर्टिव भी होना पड़ेगा। आपके अंदर बात करेंगे क्यूरोसिटी की, आपके अंदर क्यूरोसिटी एक तरीके से इच्छुकता, एक इच्छुक आपको होना पड़ेगा। आपके अंदर बात करेंगे पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्ट आपको आशावादी होना चाहिए। आपके अंदर जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑलवेज ओपन टू लर्न, आपके हमेशा ओपन टू लर्न होना चाहिए। आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको यूनिक होना पड़ेगा, आपको जो है कि इन्वॉल्विंग होना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको अडैप्टिव होना पड़ेगा, आपको अडॉप्टिव होना पड़ेगा, आपको लर्निंग प्रोसेस में होना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से एक्चुअली ओपन होना पड़ेगा, और आपको हेल्पिंग होना पड़ेगा, आपको कोऑपरेटिंग होना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेटिंग होना पड़ेगा, आपको मोटिवेटिंग होना पड़ेगा, आपको गाइडिंग होना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा, आपको इंस्पायरिंग होना पड़ेगा, और आपको खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अपने काम में जिसने नहीं दिखाई कंसिस्टेंसी, उसकी खराब हो जाएगी फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी। अपने काम में जिसने नहीं दिखाई कंसिस्टेंसी, उसकी खराब हो जाएगी फ्लुएंसी, प्रोफिशिएंसी और एक्चुअली एफिशिएंसी। इसलिए शो योर कंसिस्टेंसी एंड डेवलप योर प्रोफिशिएंसी इन फ्लुएंसी एंड एफिशिएंसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स की बात की। आइए और थोड़े से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। सपोज मैं मान लीजिए राजस्थान जाता हूं और मैं बोलता हूं खम्मा गनी, मैं मान लीजिए जो है कि बंगाल जाता हूं, बांग्लादेश जाता हूं, तो मैं बोलता हूं कि नमस्कार। मैं जाता हूँ मान लीजिए साउथ इंडिया, या मान लीजिए जो है कि कन्नड़ जहाँ पे बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, मैं वहाँ पे वड़क्कम वड़क्कम बोला, मैं कहीं पे नमस्कारम बोला, मैं कहीं पे पायलागी बोला, कहीं पे अस्सलाम वालेकुम कहीं बोला, कहीं पे आदाब बोला, कहीं पे शश्रियाकाल बोला, कहीं पे नमस्ते बोला, कहीं पे जो है कि राम राम बोला, कहीं पे जो है कि एक तरीके से जो है कि आदाब शश्रियाकाल सलाम खेम छो, गुजरात गया तो खेम छो बोला। मतलब अलग अलग जो है कि आप अपने देश में देखेंगे, भारत देश में तो 22 लैंग्वेजेस हैं और 22 लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से ग्रीटिंग है, अभिवादन अभिनंदन है। अगर किसी को भी आप कनेक्ट करना चाहे तो, किसी को भी आप कनेक्ट करना चाहते हो उसकी भाषा में, उसे नमस्कारम कर दो, उसे सलाम कर दो, इंसान तुरंत कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ इंसान बदलाव बदलाव चाहता है, इंसान झुकने वाला है, इंसान फ्लेक्सिबल है, इंसान पूरी तरह से झुक जाता है। झुकता वही है जिसके अंदर जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुकता वही है जिसके अंदर जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। दोस्तों जो झुका है वो कभी नहीं रुका है, जो स्ट्रेट खड़ा रहा है वो हमेशा टूटा है। इसलिए झुकने वाले को है सलाम, नहीं तो बाकी सब है बदनाम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सिबल होने की। मैं जाता हूँ चाइना में तो मैं बोल सकता हूँ निहाओ, मैं जाता हूँ फ्रेंच में तो मैं बोल सकता हूँ बोंजूर, मैं जाता हूँ जर्मन में तो मैं बोल सकता हूँ गुटेन टाग, मैं जाता हूँ जो है कि दुबई और सऊदी में तो मैं बोल सकता हूँ कि हब, मैं बोल सकता हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं जाता हूँ कहीं मैं आता हूँ भारत देश में तो मैं नमस्कार बोल सकता हूँ, नमस्ते इंडिया बोल सकता हूँ, खेम छो बोल सकता हूँ। अगर कहीं पे जो है कि मान लीजिए मैं गुजरात गया तो अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस को आप समझिए, इटली में गया तो अलग है। जिससे आपको अगर लैंग्वेज आती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, आप लोगों से अपना रिश्ता जोड़ पाएंगे। तो दीज इंपॉर्टेंट लाइंस एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अपने आप को अडॉप्ट करने की ताकत रखिए। कभी कुछ लोगों के अंदर अपने जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना एक ईगो होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है, नो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, दिस इज माई रूल, दिस इज माई थिंग, दिस इज माई दैट, दिस इज माई दिस, दे आर लिमिटेड इन दैट, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपकी आती हैबिट अच्छी बनाओ।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका आता है ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है जो है कि एक तरीके से कैरेक्टर, कैरेक्टर इतना प्यारा बनाओ कि लोग जहां भी रहे आपको सलाम करते रहे, आपको दुआएं देते रहे, आप अपना नेचर ऐसा बनाओ कि लोग आपको भूल जाए, आपका नाम भूल जाए लेकिन आपकी वो बात आपका जो है मुलाकात ना भूलें, आप अपना बिहेवियर ऐसा बनाओ कि लोगों को रात में नींद में चैन में सपनों में जागते हुए लोगों की आंखों के सामने बस आप घूमो, दिमाग की सोच के सामने बस आपका बिहेवियर घूमे, लोगों के सामने बस आप रहो, लोगों के सामने बस आप नाचो, आपकी इतनी दीवानगी हो जाए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी ग्रूम्ड हो जाए, आपका कम्युनिकेशन इतना इम्पावर्ड होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जब आप करो तो इतना इम्पैथिक हो जाओ कि लोग आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए सोशली साइकोलॉजिकली और पूरी तरह से इमोशनली। जब आप उनको कनेक्ट करेंगे तो कहते हैं इफ़ यू कनेक्ट समबडी इमोशनली साइकोलॉजिकली यू कैन सेल हिम एनीथिंग। किसी को अगर आप दिल से जोड़ लिए तो उसको कुछ भी बेच सकते हो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है जो आपको सेल्स में भी काम आएगा, टीचिंग में भी काम आएगा, बिजनेस में भी काम आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप में भी काम आएगा, और साथ में आप अगर हॉस्पिटलाइजेशन में, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में, उसमें भी काम आएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी है उसमें काम आएगा, आप मोटिवेशन लाइन में है उसमें भी काम आएगा, आप जो है कि किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें काम आएगा, आप टेलीकॉलिंग में हैं उसमें काम आएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर जगह काम आता है। तो अगर आप चाहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को डेवलप करें, तो आप बिल्कुल हमारा ऑफलाइन हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ग्रो योर पर्सनालिटी। सब्सक्राइब एंड शेयर, बाकी मैं लिंक पे दे दूंगा, यहाँ का लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें डिटेल्स आपको देखो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।